राजस्थानी फिल्मों से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारा यह चैनल अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। राजस्थानी फिल्मों का निर्माण 1960 में प्रारंभ हुआ तो पहली फिल्म 1961 में रिलीज हुई बाबा सारी लाडली। 1962 में बनी हुई फिल्में 1963 में रिलीज होनी शुरू हुई और नानी बाई को मायरो भी अपने आप में हिट रही। 4/11/1963 को रिलीज होने वाली फिल्मों में दो फिल्मों का नाम आता है, एक रंगलोक फिल्म्स की बाबा रामदेव और दूसरी बाबा रामदेव पीर। दोनों फिल्में एक ही दिन सेंसर हुई और प्रदर्शित हुई। कलयुग में अवतार लियो, घनी घनी खम्बारे कमरे अजमालरा। पहली फिल्म का निर्माण जहां रामराज नाहटा ने किया था, वहीं दूसरी फिल्म हम लोग प्रोडक्शन की थी जिसमें डायरेक्टर थे एसपी कल्ला। एसपी कल्ला की ये पहली फिल्म थी और इसी फिल्म में एक नए संगीतकार को संगीत देने का मौका मिला जिसका नाम था नारायण दत्त। दोनों फिल्में अपने आप में म्यूजिकल कहलाई, लेकिन उन फिल्मों के म्यूजिक में कितना अंतर था ये हम आज इस एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि फिल्मों की सफलता का आधार जहां राजस्थान में संगीत को माना गया था, वहां इस फिल्म का हिट संगीत भी इस फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाया। फिल्म में उस समय का जोधपुर, उस समय के खेत खलियान और अपने यहाँ पाए जाने वाले खेजड़ी के पेड़ इस फिल्म के अंदर प्रमुख रूप से यूज किए गए। फिल्म में वातावरण संपूर्ण राजस्थान का नज़र आता है, लेकिन वो भव्यता फिल्म में नज़र नहीं आती। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि प्रोडक्शन के अंदर बहुत सी कमियाँ थी। साधारण सेट लगाए गए थे, उस पर प्रोवाइड की गई प्रॉपर्टियाँ बड़ी लिमिटेड थी, आर्टिस्टों को पहनाए जाने वाले कपड़े आम साधारण थे, उनका जो एक इम्पैक्ट फिल्म के पर्दे पर नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आता। और इसी तरह से जब फिल्म के गानों को उन्होंने पिक्चराइज किया तो फिल्म के लंबे लंबे शॉट नज़र आते हैं। फिल्म हमेशा अपनी कटिंग, अपने धारा प्रवाह से चलती है। जो मोमेंटम फिल्म में सेट किया गया वो कहीं आम दर्शकों की सोच के विपरीत जा रहा था। कहानी सबको पता था, बाबा रामदेव के चमत्कार सबको मालूम थे, इसलिए फिल्म को देखने के लिए जो एक लार्जर देन लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल में जाता था वो उसे नहीं प्राप्त होता था। फिल्म के संगीतकार नारायण दत्त की यह पहली फिल्म थी। तीन फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर पंडित शिवराम थे जो अपने आप में संगीत के क्षेत्र में पूर्ण दक्ष माने गए और उन्होंने अपने दम पर
पिछली तीनों फिल्मों को हिट किया था। तो बहुत बड़ा चैलेंज नारायण दत्त के ऊपर था। यहाँ पे गीतों की जिम्मेदारी स्वयं SP कल्ला ने संभाली थी। गीत उन्होंने ही लिखे थे। उन्हें राजस्थान की अच्छी पकड़ थी। बीकानेर, जोधपुर, इस एरिया में उन्होंने पूरा भ्रमण किया था अपने राइटर जोशी के साथ में। वो भी आते जाते थे। जो दक्षता नवल माथुर के कारण और पंडित इंद्र के बाद में भारतीवास के गीतों में नजर आई थी, वो इस फिल्म में कहीं सेकंड स्टैंडर्ड पर आ गई थी। फिल्मों को एक भव्यता प्रदान करने के लिए उन्होंने हर तिकड़म अजमाई, हर तरह के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वो गीत आम जनमानस के अंदर लोकप्रिय नहीं हो पाए। आज कालांतर में वो लोकगीत की तरफ बढ़ रहे हैं और उन गीतों को भी गाया जाता है। महल मालिया पल नहीं भाड़े, महल मालिया पल नहीं भाड़े, झोपड़ियाँ में मन रम जाए, रोम रोम मुस्काए, मासूम छोड़ी न तोड़ी जाए। फिल्म में एक गाना यूज किया गया है, काली पीली बादली। ये फिल्म 1963 में बनी थी। संगीतकार की प्रारंभिक फिल्म होने के कारण इसका एक अलग इम्पैक्ट था। म्यूजिक डायरेक्टर वही है, लेकिन 20 साल बाद इसी गाने को उन्होंने जब म्हारी प्यारी चन्ना में यूज किया, काली पीली बादली, तो उसका इम्पैक्ट ही अलग है, उसकी खनक ही अलग है। दोनों गाने आपके सामने हैं, आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। अरे काली पीली बादली रे, मारे ऊपरिया कर जाए, जरा सी ठहर जाए, मारी बादली सुन जाए। अरे काली पीली बादली रे, मारे ऊपरिया कर जाए, काली पीली बादली रे, मारे ऊपरिया कर जाए, जरा सी फेर जाए, मारी बादली सुन जाए। सामाजिक जीवन में दहेज का कितना बड़ा महत्व है, जबकि इसे एक कुरीति माना गया है, लेकिन ये उस दौर में भी थी, आज के दौर में भी है। जब विवाह होता है तो लड़के वाले का हमेशा ये रहता है कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त करें। विदाई के समय ये मांगें प्राय रखी जाती हैं। यहाँ पे भी जब विदाई के समय मांग की गई तो लड़की के पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरा का पूरा गांव ही दहेज में दे दिया। तो किसा हाथी घोड़ा दे दिया, ये तो बेटी है, नहीं पकड़ तो को दियो नहीं समझी सा। ओ थे मने कहीं मौसम थोने पोखन चाहिए, जाओ दियो थोने पोखन। हाँ हाँ वही कहीं बात, इन्हीं साने जल्दी विदा कर दो। उसे कहीं करियो, अब इसे सारा जना कटे जाओ। सामाजिक कुरूतियों की बात करें तो उस जमाने में भी और इस जमाने में भी तंबाकू सेवन को एक तरह से निषेध माना गया था। तब भी लोग वह सोचते थे तंबाकू ना पिए, लेकिन तंबाकू पीने के लिए आदमी अपने कोई ना कोई बहाने निकाल लेता था। मारवाड़ में जाए ऊपरी, हे मारवाड़ में जाए ऊपरी, जयपुर में परनई राम जी, मारवाड़ में जाए ऊपरी, जयपुर में परनई, चार जना मिल मतो उफाड़ो, धूम धाम मचाए, किशोरा गमला वाह वार कुंवर रा लड़का, ओ ओ मर नानी लागी, ओ ओ मर अट्टू गट्टू, थोड़ी आग तो धर लाव तमाकू पाए दो जी, हे दिन लफूक भाई दिन लफूक, हे दिन लफूक भाई दिन लफूक, हे दम दम भाई दम रे, दम दम भाई दम रे। बाबा रामदेव की जिंदगी में हुए
चमत्कारों या उनके जीवन में आने वाले प्रसंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है कि आकाश मार्ग से जो कटोरे आते हैं, ये फिल्म में एक स्पेशल इफेक्ट के माध्यम से दिखाया गया। बाबा रामदेव अपनी योग शक्ति से अपने चमत्कार स्वरूप में जब वो कटोरे मंगाते हैं तो वो आकाश मार्ग से जब प्रकट होते हैं तो वो अपने आप में एक हास्यास्पद सी स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये उस समय की तकनीक का एक अभाव था। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जैसा सुना था उससे बढ़कर ही पाया। क्या कहने आज से हम फरमान करते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपको रामा पीर के नाम से याद करेंगे। राजस्थानी फिल्में जहां अपना एक मैदान बना रही थी, वहीं पे समानांतर हिंदी फिल्में अपने उत्कर्ष दौर से गुजर रही थी। मुगले आजम प्रदर्शित हो चुकी थी, मेरे महबूब, और कुछ ऐसी फिल्में बनी थी जो सामाजिक स्तर पर हर इंसान को प्रभावित करती थी, दिल को छूती थी। उस दौर में इस फिल्म का बनना और उन फिल्मों के कुछ अजमाए हुए फार्मूलों को यूज करना जनता को पसंद नहीं आया। जैसे कि इस फिल्म में एक गाना है जो मुगले आजम के हिट गाने की स्टाइल के अंदर पिक्चराइज किया गया, जेल में पिक्चराइज किया गया। फिल्म के अंत में जब बाबा रामदेव समाधि लेते हैं तो डाली बाई की भी समाधि होती है। दोनों की आत्माएं स्वर्ग में जाते हुए दिखाते हैं और नीचे दिखाया जाता है कि उस समय का जैसलमेर, उस समय का मंदिर बनने का स्थल अपने आप में वीरान है, जो आज आबाद हो चुका है। लेकिन जो पुरानी चीज़ों को देखने के शौकीन हैं, वो चाहें तो बाबा रामदेव का रामदेवरा उस समय का देख सकते हैं, उस मंदिर का स्वरूप इस फिल्म में देख सकते हैं और देख सकते हैं कि सीमित साधनों में बनी हुई फिल्म भी अपना एक इम्पैक्ट इतिहास में जरूर रखती है। चाहे सफलता के क्षेत्र में वो असफल कहलाए, लेकिन वो फिल्म इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना है जिसे कि एक राजस्थानी फ्लॉप फिल्म के रूप में याद किया जाता है। राजस्थान की पहली फ्लॉप फिल्म बाबा रामदेव पीर। खारे पानी में भरी छोरे बनायो, खारे पानी में भरी छोरे बनायो, रूणे चांद पर चढ़ियो अमर करायो, अरे रूणे चारो दाम बसायो जी, घड़ी घड़ी हमारे कमरे अजमाल रा, कलयुग में अवतार लियो, बाबा रामदेव पीर जयपुर में सिर्फ 5 दिन चली, जबकि बाबा रामदेव ने पाली में 10 हफ्ते पूरे किए। इंदौर में सिल्वर जुबली मनाई, उज्जैन में रिपीट रन में इसने 100 दिन पूरे किए। रामराज जी नाटा वाली बाबा रामदेव में राइटिंग वर्क, उसकी एक्टिंग, एडिटिंग और म्यूजिक बहुत ही कमाल का था और यही इस फिल्म की सफलता के आधार बने। फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।